नमस्कार। टेरा एग्रो बायोटेक की टीम बेगस गांव में पहुंची है, जिला जयपुर में महेंद्र जी शर्मा के खेत में। महेंद्र जी ने अपने इस खेत में, जो कि उस साइड में दिख रहा है, वहां पे अभी खरीफ सीजन के अंदर इन्होंने मूंगफली की फसल लगाई हुई थी। इस मूंगफली की फसल में इन्होंने इस खाद का प्रयोग किया था, उसके बारे में आप बताएंगे। जी सर, हमने मूंगफली की खड़ी फसल में टेरा संपूर्णा और टेरा बायोसल्ट दिया था, उसका रिजल्ट बहुत ही बेहतरीन रहा। और क्या क्या खादों का प्रयोग किया आपने? और अदर कंपनी का हमने खाद का यूज ही नहीं किया। रासायनिक खादों में यूरिया? रासायनिक में यूरिया भी एक बार दिया था, बस 10 किलो, उसके अलावा यूरिया भी नहीं दिया हमने एक बीघा में। हाँ। और डीएपी वगैरह? डीएपी कुछ नहीं लगाया, ओनली ये गोबर की खाद थी, और उसके बाद में संपूर्ण क्या पैदावार रही, उसका क्या रिजल्ट मिला उस चीज के अंदर? एक तो मूंगफली ठोस थी, दूसरा ये था जड़ गलन की कोई बीमारी नहीं रही हमारी फसल में। जड़ गलन की और कोई बीमारी वगैरह नहीं आई? बीमारी नहीं आई। और तीसरा ये रहा कि एक बीघा में 8 क्विंटल के आसपास मूंगफली की निकाली हुई। तो वैसे कितनी निकलती है आपके खेतों में? 6 क्विंटल के आसपास निकलती है, इतनी ही पैदावार निकलती है एक बीघा में। तो 8 क्विंटल की पैदावार निकली आपके, जिसमें किसी तरह की कोई बीमारी वगैरह नहीं है। और गुणवत्ता वगैरह क्या? गुणवत्ता बढ़िया रही, मूंगफली चमक भी ठीक थी और ठोस। तो उसका आपने बेचा है आगे या नहीं बेचा? अभी हमारे पास ही उत्पादन पड़ा है, अभी पड़ा हुआ है, बेचा नहीं है। तो इतने उत्पादन से आप संतुष्ट हैं? अब इस सीजन में, रबी सीजन में आपने कौन सी फसल लगाई है? मटर लगाई है आपने। और कौन सी फसल बिजाई की है? गेहूँ किया है, मटर बिजाई कर दी, और मटर और लगाने हैं। मटर और लगाई, तो इस फसल में आप टेरा उत्पादों का प्रयोग कर रहे हैं? हाँ, टेरा का ही। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।